नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दीना नगर तो एक परिवार ने नगर कौंसल के अधिकारियों से मानजोग अदालत इस केस चलन कारण रजिस्ट्री करने के आरोप लगाए हैं, जिथे नगर कौंसल के ईओ समेत अधिकारियों ने सारे आरोपों झूठा तो बेबुनियाद दसिया है और कहा है कि असी सही और लीगल एडवाइज लैन उपरंत दस्तावेजों की छानबीन करने तो बाद रजिस्ट्री की है। जिस परिवार की रजिस्ट्री हुई है वह भी सामने आके अपना पक्ष रखा है और कहा है कि नगर कौंसल ने सही रजिस्ट्री की है। जेकर योगा कि स्नेह लता नाम की औरत ने आरोप लगाए हैं कि जो बेरिया महल्ले एक 27 नंबर का प्लाट है वह मेरे पिता के नाम से दर्ज है। 1971 के सर्वे उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भरा राजकुमार नाल साडा परिवार का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो मेरे पिता ने मेरे भरा बेदखल कर दिता सी। 30 दिसंबर मेरे पिता जी की मौत होने तो बाद साडा मानजोग अदालत में केस चलता है, पर जब रजिस्ट्रियां खुलदियां हन तो मानजोग अदालत में केस चलन के बावजूद नगर कौंसल के अधिकारियों ने यह प्लाट मेरे भरा के नाम किवें कर दिता, जबकि अदालत में केस चलन तक रजिस्ट्री नहीं हो सकती। की कहना चाहते हो, की तुहाडी कार्रवाई हुई है, की है सारा जी? सर की नाम तुहाडा? मेरा नाम सुनीलका जी, मैं एडवोकेट हाँ, टीचर रिटायर हाँ। बेरिया महल के 27 नंबर प्लाट से वो मेरे फादर के नाते दर्ज है 1971 के सर्वे में जी जनाब। उस तो बाद जो मेरा छोटा ब्रदर से राजकुमार वो कोई डिस्प्यूट चल पाया, उन्होंने मतलब नजायज़ कब्जा कर लिया, तो मेरे फादर ने 2099 उन्होंने अपने जीवन जी बेदखल कर दिता। वो तो बाद उन्होंने एक होलोग्राफी विल लिखी है 25/11/97 जी सर। वो तो बाद जो पता चलिया कि वो उत्थे कागज ना तो रजिस्ट्रियां खुलन लगियां मतलब कर रहे हैं, तो फिर मेरे मदर ने 16/11/2021 जाके दस्ती एक एप्लीकेशन सदक अफसर जी श्री जतेंद्र महाजन जी उस वेले मौजूद से उन्होंने दिती है, ठीक है जी। उस मंग ये की है कि मतलब जो फादर की डैथ हो गई है ना 30/12/2006 उस तो बाद वसीत के हिसाब न प्लाट नंबर 27 के प्रवीण कुमार तो मेरे मदर के नाँ से मेरे फादर करके तो दोवे ने मतलब माँ तो बेटे ने माता मेरी आशा रानी प्रवीण कुमार ने इन्होंने कोर्ट केस 24/9/19 कर दिता जी सर। उस तो बाद की जो पता चल गया कि रजिस्ट्रियां खुल गई तो मेरे मदर ने जाके 16/11/21 दस्ती एप्लीकेशन दी है कि जहाँ तो रजिस्ट्री मेरे नाते की जाए क्योंकि वह बेदखल भी है विल भी है, या फिर ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आने तक दोवे धिर की रजिस्ट्री ना की जाए। उस तो बाद 17/11 यही जी विनय पत्र से डाक रस्ते मेरे मदर ने पा दिता उन्होंने, और ये जी चीज़ है 22/11/21 जी डीलिंग क्लर्क से अपने तरन कुमार जी ने मार्क की गई, तो जी दस्ती दी है वह 16/11/21 देवी जी उत्थे रसीट क्लर्क उन्होंने रिसीव की है। फिर भी जो सानू पता लग गया जनाब भी रजिस्ट्री उन्होंने कर दी है, कर सदक अफसर ने किस दबा थले की या कि कारण कर की कोई लैद की सू ए बारे कोई नॉलेज नहीं, सानू बहुत दुख लगा तो असं उन्होंने को गए हाँ, तो वह कहते भी ये तो हो गई हूँ रजिस्ट्रियाँ हाँ की कर सकते हैं। तहसील चो ही है हाँ जी, अभिषेक वर्मा जी उस वे मौजूद से नायब तहसीलदार हाँ जी उन्होंने, पर हादसे की गल है कि 24/9/19 का केस चल रहा तो मतलब 11/1/22 रजिस्ट्री हुई है, तो ईओ साहब बहुत सोहना लिख रहे भी कोई कोर्ट केस नहीं चलता, अगर कोई पार्टी उठेगी तो रजिस्ट्री जी कैंसल समझी जाएगी, तो 11/1/21 पहल ही इन्होंने अपनी लिखित पढ़त कर ली है, तो इस करके चलते कोर्ट केस दौरान जी रजिस्ट्री हुई है जनाब ये बहुत वाडा घपला जरा सामने आ सकता जे पूछगिछ की जाए तो इन्होंने को अथॉरिटी हैगी है हाँ चलते कोर्ट केस दौरान करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये कार्य साधक अफसर जतेंद्र महाजन जी नगर कौंसल हाँ जी हाँ उन्होंने असं मिले वर्बली वो कहते जो हो गया असं पता नहीं कि कारना करना उन्होंने मतलब कानून हाथ च लिया। कोर्ट केस अगले तरीक जी 24/7/23 है तो बीच लिख दिता भी कोई कोर्ट केस नहीं चलता हाँ जी। मंग ये करते हो कि जेकर कि जे जतेंद्र महाजन जी ईओ साहब के वेले दी रजिस्ट्रियां जड़ियाँ ये सारिया फोलियां जान डूंगाई जाँच इन्हों की कराई जाए, बहुत वाडा घपला सामने आएगा किन्ने बहुत वाडा घपला सामने आया तरन महाजन ने ते नाल मतलब ईओ साहब जतेंद्र महाजन ने और बीच देवी क्लर्क भी मिली दी है ये तीनों ही फोन भी जाके असं गए हाँ फिर भी ये असं फिर इन्होंने लिखा कि मंग की आ डी सी साहब उतारा किया एस डी एम साहब उतारा किया कर साधक अफसर भी की साड़ी मंग है, तो ये फिर मतलब 3:30 तक उत्थे बैठ रहा देना ईओ साहब द्वारा इतों बदल के देना अजनला तो रमदास उन्होंने को पता नहीं उत्थे आके बैठे रहते हैं, देवी नाल बैठती है नाल तरन कुमार बैठते हैं वो बैठे रहते हैं।
उत्थे ही जब दूसरे धिर की औरत सुनीता कुमारी पत्नी राजकुमार निवासी बेरिया मोहल्ला दीना नगर नाल गलबात की गई तो उन्होंने दसिया कि श्री चरणजीत अरोड़ा जज साहब उन्होंने फैसला है कि मेरे सहुरे ने जिंदे जी मेरे पति राजकुमार उपर केस दर्ज किया जो 31/1/2006 मेरा सहुरा साहब केस हार गए सन। उस तो बाद मेरे सहुरे ने वारसा ने फिर दोबारा मानयोग अदालत में अपील की है तो फिर हार गए। मानयोग लोक अदालत में यह फिर 20/12/2008 केस हार गए। फिर हिस्सेदारी का केस किया जो मानयोग जज साहब पलविंदर सिंह उन्होंने 19/1/2014 केस डिसमिस हो गया और फिर हार गए। इन्हें फिर अपील की डिस्ट्रिक्ट अडिशनल सैशन जज साहब गुरजंट सिंह जी उ फिर 18/12/2019 फिर हार गए। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहला मेरे पति राजकुमार की मौत हुई है पर यह वार वार मैनू तंग परेशान कर रहे हैं और नगर कौंसल के अधिकारी सही दस्तावेज लैके उन्होंने रजिस्ट्री की है और उन्होंने भी तंग परेशान कर रहे हैं। की नाम है तुहाडा ते तुहाडे ही रिश्तेदार कह दिए सके संबंधी आरोप लगा रहे हैं कि यह जगह का कोर्ट केस चल रहा कि जी रजिस्ट्री है नगर कौंसल वाले ने तुहाडे नाम के उपर कर दी है। नगर कौंसल के अधिकारियों पर भी रोप लग्या ते तुहाडे ते भी रोप लग्या कि यह झूठी रजिस्ट्री हुई है, एक्चुअली सच्चाई की है? मेरा नाम तो सुनीता कुमारी है तो मैनू दसो कि मेरे कि रिश्तेदार है उन्हों का नाम की है जिहड़े मेरे ते आरोप लगा रहे हैं रजिस्ट्री गलती। हाँ जी, स्नेह लता जां उन्हां दे नाल कोई रिश्तेदार कोई तुहाडे पिंड दी कोई सिस्टर आ उन्होंने आरोप लगाए आ कि रजिस्ट्री गलत कीती है? रजिस्ट्री गलत कीती है जद कि उहदा कोर्ट केस बोलदा पिया है। हाँ जी भाजी, ए वेखो कोर्ट केस हैगा आ, ये चरणजीत श्री चरणजीत अरोड़ा जज साहब उन्हां दा फैसला आ। ये सतपाल भोगल जिहड़े मेरे सहुरा साहब ही उन्होंने जींदे ही उन्होंने अपने बेटे राजकुमार मेरे हसबैंड के उत्ते केस किया ही इस जगह का। ये जिहड़े है 31/1/2006 मेरा सहुरा जींदे जी केस हार गया ही अपना 31/1/2006 ये फैसला है उन्होंने। उस तो बाद इन्होंने सारिया ने ही जिहड़े उन्होंने वारस ही मेरे सहुरा साहब ने उन्होंने केस किया अपील की। ये 2008 दे विच ये अपील भी हार गए, लोक अदालत दे विच ये अपील जिहड़े ही हार गए 2008 दे विच। ये मतलब डेट हैगी है 20/12/2008 दे विच ये जिहड़े है अपील भी हार गए लोक अदालत दे विच। उस तो बाद भाजी इन्होंने जिहड़ा ही ये सारिया ने ही एक डैक्लारेशन का हिस्सेदारी का केस किया कोर्ट दे विच कि सानू जिहड़ा है बेरियां विच जिहड़ी राजकुमार दा घर है उहदा जिहड़ा साडा हिस्सा बनदा सानू हिस्सा दिलाया जाए। डैक्लारेशन दा केस किया उह जज साहब पलविंदर सिंह जज साहब ही उन्होंने मतलब 9/1/2014 दा है फैसला ये डिसमिस हो गया सी, हार गए सी। उस तो बाद भाजी इन्होंने इहदी अपील भी कीती, इहदी इन्होंने अपील कीती ये जज साहब सी साडे सैशन जज डिस्ट्रिक्ट अडिशनल सैशन जज गुरजंट सिंह जी उत्थे इन्होंने अपील की ही। ये अपील भी जिहड़ी है 18/12/2019 हार गए सी भाजी, ठीक है। ये हुण रेल जुडिकेटा केस पाई जांदे आ जिन्हां दा कोई मतलब नहीं हैगा, असीं ते सुपीरियर कोर्ट नूं मनना ना कि लोअर कोर्ट नूं। ये जदों साडा सैशन कोर्ट दे विच डैक्लारेशन दा फैसला होगा ये जो मर्जी करते रहन, हुण सुपीरियर कोर्टां दे विच है जो मर्जी जिस तरह रैज जो आरोप लगाए जा रहे आ झूठे बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत हैगे आ। ये स्नेह लता है जिहड़ी ये शुरू तो ही साडे घर नूं हड़पना चाहुंदी सी। मेरे सहुरे ने जिन्ने भी इन केस क्रिमिनल केस भी इन करवाए सिविल भी करवाए वो सारे ही हार गए, ये सारे स्नेह लता ने लड़े आ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਝੂਠੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜੁਡੀਕੇਟ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਦੇ ਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਈ ਜਾਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ 17/3/2023 ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ
मरण तो बाद केस करके मैं परेशान करने की कोशिश कर रही है। 5 लाख रुपया मंगती पी है साढ़े तो बहुत देर पहला का ए मैं कंप्लेना भी कीतियां पी इस गल जी है केस कर आदि है इन्हें मेरे ते पहला भी बहुत ज़्यादा झूठे केस किए क्रिमिनल भी तो सिविल भी ये सारे हारी है इन्हें और मैं इसका मुकाबला करती पी हाँ क्योंकि मेरे हसबैंड ने मैनू पढ़ा लिखा के काबल बनाया इसलिए मैं बतौर एडवोकेट हाँ मेरे दो बच्चे है वह भी एडवोकेट है साड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है ये सानू शुरू तो ही परेशान करती पी है इनू इस जगह का लालच ही स्नेह लता जबकि कोर्ट में बयान भी दे चुकी है कि मैं इतने कभी नहीं रही इस जगह मेरा कोई वास्ता नहीं पर यह जी औरत है हम मेरे हसबैंड मरण तो बाद मैं होर भी ज़्यादा परेशान कर रही है मैं प्रशासन को मंग करनी हाँ कि यहोजियां औरतों का इलाज करना चाहिए है जिड़िया कि झूठे केस पादियां ने उत्थे जद नगर कौंसल दे ईओ जतिंदर पाल महाजन जो उस समय दे ईओ सन नाल फोन ते गलबात की गई जो इस समय अजनाले ट्रांसफर हो चुकी है ने फोन ते दस्या कि उन्होंने दस्तावेज चैक करके लीगली एडवाइस लैके रजिस्ट्री की है जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह झूठे ते बेबुनियाद हैं जबकि कलर्क तरन महाजन नाल जद गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि असी अधिकारियों के दिशा निर्देशों से काम किया है अधिकारियों ने सही अते लीगल एडवाइजरी लैके रजिस्ट्री की है साढ़े उत्ते लगाए गए आरोप झूठे ते बेबुनियाद हैं जबकि देवी कलर्क का कहना है कि उनका काम सिर्फ दफ्तर में रसीदा रिसीव करना है अते हर रसीद नू अगे उच्च अधिकारियों तक पहुँचाना है मेरे उपर लगाए जा रहे आरोप झूठे ते बेबुनियाद हैं। मैडम स्नेह लता जी ने कोई आरोप लगाए रजिस्ट्री को लैके की सारी सच्चाई है तो की कहना चाहोगे की ना तुहाडा? हाँ जी सर मैं देवी कलर्क नगर कौंसल काम करती हाँ तो जो मतलब कि उन्होंने आरोप लाए मेरे को मैं डायरी का काम करती हाँ चिट्ठी कोई भी आई मैं रिसीव करनी होंगी है मैं रिसीव करके तो अगे संबंधित कलर्क में देती है तो अगे उन्होंने की आर टी आई जिदा कोई इन्होंने पाई है वह भी अही मार्क करके मैं संबंधित कलर्क न देती है उन्होंने अगे जवाब उन्होंने की किया की नहीं तो बारे मैं कोई पता नहीं मेरे तो सर जे आरोप लगाए जा रहे सर झूठे बेबुनियाद है मैं तो डायरी कलर्क हाँ कोई चिट्ठी चंकी माड़ी मैं तो रिसीव करनी होंगी है तो अगर संबंधित जिदे वाल भी संबंधित हो जिद तक मैं पहुँचानी होंगी है। जो लेडी ने आरोप लगाए है वह आरोप से बेबुनियाद है क्योंकि जी रजिस्ट्री है मेरे वालों तो की नहीं गई वह तो साढ़े अफसर वालों की गई है और जी रजिस्ट्री की गई हैगी है वह सारे कागज पत्र दस्तावेज जोड़े है जाँच पड़ताल करके अपने लीगल एडवाइजर की रिपोर्ट लैके जो लीगल एडवाइजर ने रिपोर्ट दी वो मुताबिक रजिस्ट्री की गई हैगी है बाकी उस तो इलावा जी जिस जिन्ह के नाम से रजिस्ट्री की गई है तो उन्होंने को भी तुम जाँच पड़ताल कर सकते हो जाके भी उन्होंने दस्तावेज या जो भी है जाँच पड़ताल कर सकते हो भी किस विभाग से रजिस्ट्री की गई है साढ़े अफसर वालों किसी भी तरह की कोई गलत रजिस्ट्री नहीं की गई इन वो जे आरोप लगाई जा रहे हैं बेबुनियाद स्नेह लता वालों जो रजिस्ट्री करने लैके आरोप लगाए गए हैं तो हर एक ने अपना अपना पक्ष रखा है नगर कौंसल के अधिकारियों ने भी पक्ष रखा है तो जिसके नाँ से रजिस्ट्री हुई है उन्हें भी अपना पक्ष रखा है पर यह तो हम जिला प्रशासन ही दस सकता है सही की है तो झूठ की है साड़ा काम से खबर प्रकाशित करना असी हरेक का पक्ष लिया है जिसने आरोप लगाए हैं उसका पक्ष भी लिया है जिन्हों उपर आरोप लगे हैं उन्होंने पक्ष भी लिया है जिन्हों की रजिस्ट्री हुई है असी उन्होंने पक्ष भी लिया है बाकी यह तो अगे जिला प्रशासन का काम है सच की है तो झूठ की है साड़ा काम है हर एक का पक्ष दिखाना तो देखते रहो इंसाफ टीवी जय हिंद दोस्तों धन्यवाद।